सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीजा 03 व्लॉग्स। तो आज ये थोड़ा मोटो लॉगिंग सेटअप थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सेट करके मैं आपको लोगों को मिलता हूँ। तो फिलहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ हाईवे रोड पर, मैं आपको आगे बताता हूँ मैं आज कहाँ जाने वाला हूँ। तो फाइनली अभी मैं हाईवे पर आ गया हूँ और ये देखो उपलेटा रोड है और आज हम लोग उपलेटा जाने वाले हैं। वो आप लोगों को आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिलहाल तो अभी देखो सुबह हो गई है और अभी मैं निकल भी गया हूँ और मैंने काफ़ी दिनों से मोटो व्लॉग नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज मोटो व्लॉग कर ही लेते हैं। और आगे जो सरप्राइज आने वाला है वो आप लोगों को आगे वाले आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, तो ये व्लॉग पूरा देखना क्योंकि आज मैं आप लोगों को इकोनॉमी के बारे में भी बताऊंगा। इस बाइक में मैंने काफ़ी सारी राइड की हुई है इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो कहाँ तक जाती है थोड़ा बहुत खींच के भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ये देखो ये है पूरा धोरा जी, या थोड़ा अंदर जाओगे तो पता चल जाएगा, ये पूरा धोराजी शहर है। और अभी मैं धोराजी से बाईपास ही ले रहा हूँ क्योंकि उपलेटा जाना है आज हमको, इसलिए अभी थोड़ा आगे चलते हुए। और ऐसा ब्रिज होना तो तब ब्रिज के ऊपर से नीचे जब आते हैं तब लोग हमको ये व्यू बहुत अच्छा दिखता है। और ये है धोराजी का मार्केट, यार मैंने आप लोग को बताया। तो अभी ना ये हम लोग रिवर पर आ गए हैं और ये रिवर का नाम मुझे पता नहीं है पर ये लग बड़ी सुंदर रही है। तो फिलहाल मैं थोड़ी ही देर में उपलेटा पहुंचने वाला हूँ और उपलेटा में देखो मैंने काफ़ी दिनों से मोटो व्लॉग भी नहीं किया थे और गुजरात में मोटो व्लॉग काफ़ी कम है, आपको रेयर ही देखने को मिलेंगे। और राजकोट की साइड तो लगभग कोई नहीं, एक दो ही है मोटो व्लॉग करने वाला। तो जब आप लोग मोटो व्लॉग करने निकलते हो ना तब लोग ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं और रिएक्शन भी मैं आप लोगों को और रोड की देखो ऐसे पेड़ होते हैं ना रोड की साइड में तब बहुत ही सुंदर दिखता है नज़ारा। देखो ये आप लोग एक बार व्यू चेक करो और ये पेड़ से ना हमें थोड़ी ठंडी महसूस होती है क्योंकि धूप में ना हम पूरा जल जाते हैं पसीने से और ऊपर से हेलमेट भी पहना होता है। तो फिलहाल मैं अभी पहुंच गया हूँ उपलेटा के पास ही जो टोल टैक्स है ना वहाँ पर। और हमारे यहाँ पर कैसा होता है कि टोल टैक्स में टूल के पैसे नहीं देने पड़ते, बाकी दिल्ली में जो यमुना एक्सप्रेस है वहाँ पर जो टोल है ना वहाँ पर पैसे टूल के भी चार्ज लगते हैं और फोर व्हील के तो लगते ही है सभी जगह, वहाँ पर टूल के भी लगते हैं। मुंबई में भी एक दो जगह ऐसा है, मैंने काफ़ी लोग की वीडियोस में देखा था। एक बात और हाँ, काफ़ी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिलहाल मैं उपलेटा पहुँचने ही वाला हूँ और आप लोग गेस करो कि मैं उपलेटा क्या करने के लिए आया हूँ। उपलेटा में जो जो चीज़ फेमस है ना उसके लिए मैं आया हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आने वाली वीडियो कौन सी आने वाली है, वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, नेपाल से भी हमारे काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए आप लोगों को शुक्रिया, भाई नेपाल से लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो अभी मैं जिस भी ब्रिज पर चढ़ रहा हूँ ना वो ब्रिज में एक खासियत है, वो पूर्वजों ने एक ही पत्थर से ये वाला ब्रिज बनाया, ये वाला का शायद इससे अगले वाला दोनों में से एक ही है। वो पूर्वजों ने एक पत्थर वहाँ से हटा लेते ना तो पूरा ब्रिज नीचे गिर जाता है, ऐसा उस लोगों ने कुछ करामत की है। तो अभी मैंने उपलेटा में एंटर कर ही लिया है और पीछे जो गेट था ना उपलेटा का मेन गेट वहाँ पर आज पुलिस नहीं थी, यानी कि आज थोड़ी कम भीड़ मिलेगी कि वरना कभी कभी सिटी में ना बहुत ही भीड़ लग जाती है इसलिए। तो फिलहाल अभी जहाँ पर जाना है ना वो लोकेशन ढूंढते हैं पहले, तो
फिर मैं आप लोगों को बाद में मिलता हूँ। तो आज ना दिक्कत वाली बात ये हुई कि मैं मोटो लॉगिंग थोड़ा कर ही नहीं पाया उपलाटा में, क्योंकि वो जो लोकेशन वाला मोबाइल था ना, दूसरा मोबाइल मेरा, वो मैं आज लेना भूल गया था, इसलिए आज थोड़ी दिक्कत हुई। कोई बात नहीं, चला लेंगे अब तो। तो अभी उपलटा का टोल गेट है जो वो क्रॉस करते हैं, यानी कि उपलटा की सरहद के बाहर हम लोग निकल गए हैं अब लोग। तो इसने टोल गेट में एक खासियत है क्या है, क्योंकि हम लोगों ने टोल गेट तो बहुत ही देखे होंगे, पर देखो ये इस टोल गेट के साइड में घर, और यहाँ पर देखो उस टोल गेट में जो लोग काम करते हैं उसके लिए पार्किंग और एम्बुलेंस की भी सुविधा है यहाँ पर। अभी देखो सभी गाड़ियों में, बाइक में इकोनॉमी की है ना 40-45-50 तक की लिमिट होती है, यहाँ पर देखो 60 और 61 पे मैं चल रहा हूँ ना, फिर भी इकोनॉमी की लाइट चल रही है। ये क्यों है, कैसा है, ये मुझे पता नहीं है शायद। और हमारे गुजरात में ना आंदोलन भी चल रहा है गायों को लेकर, क्योंकि गाय जो रख रही है ना उसको लेकर आंदोलन भी चल रहा है। और अब थोड़ी खींचते हैं, हाइपर राइडिंग करते हैं, काफ़ी दिनों से नहीं की है। मैं जब ब्लॉग बनाता था तभी मैंने की हुई थी, तभी रोड खुला मिल गया तो थोड़ी खींचते हैं। आज थोड़ा पवन ज़्यादा है इसलिए 108-109 तक ही गई। पवन अगर कम होता ना तो आज 117 मार ही देते इस रोड पर, क्योंकि इस रोड पर ना ट्रैफिक अभी कम है इसलिए। अभी ना देखो ये बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं, तो इस बादल में एक रील रूल बनाएंगे। बाकी ये चेक करा बादल भाई, वाकई में बढ़िया सुंदर दिख रहा है। और ये रॉयल स्कूल है, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं मैं, और इसकी दूसरी ब्रांच है ना वहाँ पर मैं पढ़ता था, और कौन सी है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी यहाँ पेरला चौकड़ी पर ना, पेरला हाईवे पर ना रोड थोड़ा बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर ना एक्सीडेंट बहुत ही होते थे इसलिए। और अभी बस मैं थोड़ी ही देर में घर पहुँचने ही वाला हूँ, और देखते आज के व्लॉग में आई होप का आप लोगों को मज़ा आया होगा। अभी मैं आप लोगों का आगे कुछ मिलेगा तो दिखाऊँगा। एक ना ये रोड की मुझे वीडियो बना कर डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह रोड है ना वो लोग पूरा रोड नया बना लेते हैं, और हमारे यहाँ पर ना ऐसे ही ठीकड़े मार कर चला लेते हैं। वो सरकार का रुपया है ना, वो जो बीच के लोग हैं ना वो सभी लोग खा जाते, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। देखो ऐसे ऐसे ठीकड़े मार दिए है बीच रोड पर, अब उसमें भी चलाने का मज़ा नहीं आएगा और नीचे भी चलाने का मज़ा नहीं आएगा। तो आई होप के आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।